अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के डे केयर सेंटर में, जिसको आज एक साल मुकम्मल हो गया है। एक साल मुकम्मल होने की खुशी में तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि जनाब उस तकरीब में क्या हो रहा है और ये डे केयर सेंटर किस तरह काम करता है। पंजाब सेफ सिटी डे केयर सेंटर का आगाज एक साल पहले फरवरी सन 2020 में किया गया, जिसका मकसद ये था कि अफसरान अपने बच्चों की फिक्र से बेनियाज होकर अपने फराइज अदा कर सकें। मजीद ये कि वालदैन दौरान ड्यूटी मखसूस औकात में आकर अपने बच्चों से मिल भी सकते हैं। बच्चों के साथ साथ अमले की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। डे केयर सेंटर में बच्चों की हिफाजत के साथ साथ उनके खाने पीने का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। अगर किसी बच्चे की तबीयत नासाज हो तो वालिदैन और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन भी दी जाती हैं। यहाँ मौजूद सहूलियात देखकर वालिदैन बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं। भूख लगती है तो फिर यहाँ क्या करते हैं? इनके नैनीज हैं, बहुत केयर करती हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इनका। अगर बीमार हो जाएं तो फिर हमें कॉल कर देते हैं कि आपका बच्चा दूध नहीं ले रहा, प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा, फिर मैं कॉल कर देती हूं। आप लोग अपनी ड्यूटी छोड़कर यहां आके बच्चों को देखने आकर बच्चों को देखते हैं। आप जॉब करती हैं, सुबह सवेरे उठना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड भी जॉब करते होंगे, और एक ऑफिस में काम करने वाली खातून के लिए कितना मुश्किल होता है एक छोटे से बच्चे को संभालना? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वाकई बहुत टफ हो जाता है। फैमिली को साथ देखना, जॉब फीमेल की मैं कहती हूँ डबल ड्यूटी हो जाती है, डबल जॉब हो जाती है, घर और चीज़ों को मैनेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे डे केयर ने हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया इस हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ पे बच्चे को जब जॉब कर रहे होते हैं परेशानी हो रही होती है कि बच्चा किस हालत में होगा, खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा, तंग कर रहा है या क्या कर रहा है? हाँ जी होती है, जब परेशानी तो हम कॉल करके पूछ लेते हैं। मतलब ऐसे है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही होती है तो हमें आइडिया होता है। बच्चों के सोने के लिए बेबी बेड, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने, मौसम की हिद्दत से बचाने के लिए हीटर और एसी की सहूलत के साथ साथ यहाँ बच्चों की इब्तदाई तालीमो तरबियत भी की जाती है। हम बच्चों को हर किस्म की प्ले एक्टिविटीज़, उनकी फन एक्टिविटी, उनकी लर्निंग के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से हर चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर exactly, है, हमारे स्टार्स हैं। तो हम उनको जैसे बिल्डअप करेंगे, जैसे उनको प्रोग्रेस करेंगे, वर्किंग करेंगे, वैसे ही वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, किस तरह मैनेज करती हैं? कभी एक रोता है, कभी दूसरा रोता है, कभी तीसरा रोता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कभी उसने उठा लिया, कभी मैंने उठा लिया। अच्छा, मतलब मैनेज कर लेते हैं वन बाय वन। डे केयर सेंटर की सालगिरह के मौके पर मेहमान खसूसी डीएसपी शाहिद चदर साहब ने डे केयर की ज़रूरत और अफादियत के बारे में बताया। सेफ सिटी है, अभी तक जो भी अपना जितने भी काम कर रही है उन्हें मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रही है, और ये चूंकि एक ऐसा कंसेप्ट है कि इससे अपने पीसीओस को स्टाफ को फैसिलिटेट करना था, इसलिए सेफ सिटी ने इसमें जल्द इनिशिएटिव लिया, और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, सीएम साहब की पॉलिसी भी है उस हवाले से। अब चूँकि वीमेन एम्पावरमेंट का मसला भी है और औरतों को अब ज़्यादा जॉब्स कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में आ रही हैं, exactly, उसके साथ साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, हर इदारे में होनी चाहिए। इंशाल्लाह बड़े कामयाबी के साथ हमारा ये तमाम स्टाफ इसको चला रहा है और उसका रिस्पांस और फीडबैक बहुत अच्छा है। डे केयर सेंटर की सालाना तकरीब में डे केयर सेंटर की तरफ से बच्चों को तहाइफ भी दिए गए और वालिदैन के साथ मिलकर इस पुरमसरत मौका पर केक भी काटा गया।